जी बीबी जी अच्छा सुनो, ये तुम्हारे साहब क्या रोजाना लेट आते हैं? जी कभी कभार लेट भी हो जाते हैं जी। अच्छा, मुझे उनके आने जाने की टाइमिंग, उनकी पसंद, उनकी नापसंद सब कुछ बताओ। जी लो, सालन गरम में देख के गिराना मत। जाओ उस्वा, ये प्लेट्स रखो वहां पर। ये लो रोटी। मेरा बेटा जा, वहाज को भी बुला ला खाने के लिए। जी अभी बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं ज्यादा फुर्ती दिखाने की, चलो जाओ तुम, आ जाएगा वो खुद ही। मुझे तो खाला मैंने कहा था जान। कहाँ से होकर आ रही हो तुम, जो इतना पटर पटर बोलना आ गया तुम्हें? जब से आई हो जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है हमारी। हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो। अरे उसे मैंने कहा था वहाज को बुलाने के लिए। अरे बस कर दे खाला माँ, पता नहीं कहाँ इतने दिन गुजार कर आई, मुझे तो घिन आती है इस लड़की। बस बहुत बोल लिया तूने, अब चलो खाने के लिए। पानी रखा है या नहीं? नहीं। जल्दी लेकर आओ। अरे ध्यान कहाँ रहता है इसका। बहार आ जाओ भाई, खाना रख दिया, आ जाओ, आ जाओ खाला अम्मा। हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहती है। दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी खाने पर, आज आप। मेहराब, मेहराब मैं आपसे बात कर रही हूं। गुफरान, 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 क्या हुआ है तुम्हें, खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं अम्मी। ये अचानक भूख और प्यास क्यों उड़ गई तुम्हारी? ये सवाल आप खुद से पूछो तो ज्यादा बेहतर है। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? आपने मुझे मजबूर कर दिया सब कुछ कहने के लिए। हो समझ गई तुम किसकी जबान बोल रहे हो। अकीला बेगम सारी जिंदगी मेरे हाथ के पीछे पड़ी रही और अपनी बेटियों की तरबियत तो जैसे भूल ही गई। अम्मी खुदा के लिए बस करें। तुम बस करो, बहन है मेरी, तुमसे ज्यादा जानती हूँ मैं उसको। जब देखो खालू की बात करता है